नया हेयर कट सिर्फ 40 रुपये देके। और ये जो दुकान का जो एग्जैक्टली जो मेन बार्बर है जो बाल कटवाता था, एक्चुअली ही इज़ फ्रॉम द जाबिर हबी एंड वो जाबिर हबी से कोर्स भी किया, उसके बाद वहाँ पर काम भी कुछ साल किया, फिर से उसने खुद का सलून बनाया और इस लड़कों को, ये जो 3-4 लड़के आपने देखा उन लोगों को ट्रेन किया। और अगर सेम टाइप ऑफ, अगर आप जाबिर हबी एक्सप्रेस पे जाओगे ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ आप हेयर कट का एक्सपीरियंस आपको होगा। बेगम खुद 5-6 बार पहले मैं जाता था वहाँ पर, तो एक्सपेंसिव हेयर कट अगर सिर्फ 40 रुपये में मिल जाए तो बुरा क्या है। तो तब से जब से यहाँ पर मैंने कटवाया, लग 2 साल से मैं यहाँ पर ही हेयर कट के लिए जाता हूँ, तो तब से मेरा पैसा भी सेव हो रहा है सिर्फ 40 रुपये देके। आई एम गेटिंग अ वेरी स्टाइलिश एंड गुड हेयर कट, देख सकते हो। आई होप सो लुकिंग गुड, नॉट सो बैड। तो ज़्यादा पैसा खर्चा करें तो सवाल ही नहीं होता है। तो अभी से यहाँ से ही मैं बाल कटवाता हूँ, मसाज करवाता हूँ, जो भी करना है, वट एवर इज़ वेरी लेस एक्सपेंसिव सो चिप्स। तो चलिए गाइज, अभी घर में जाकर फ्रेश होना है, नहाना है, गॉट द न्यू हेयर कट, लुकिंग सो फ्रेश। पर अभी अब इंडियन रिचुअल है, अगर बाल कटने के बाद घर में घुस नहीं सकता हूँ, डायरेक्टली बाथरूम में जाना है, शॉवर लेना है, फ्रेश होना है, बाल धोना है, सब कुछ करने के बाद आई विल गेट द परमिशन टू गेट इन साइड ऑफ माई रूम। चलिए दोस्तों घर चलते हैं। तो दोस्तों शाम हो चुका है और नया हेयर कट में थोड़ा सा फ्रेश होकर नींद लेकर मैं ऑलरेडी बाहर आ चुका हूँ। मैं ऑफिस का ही बाहर हूँ, ऑफिस में स्टूडेंट लोगों को कुछ काम देकर मैं बाहर घूम रहा हूँ और थोड़ा सा भूख भी लगा था। एक लोकल दुकान से मैंने खरीद लिया हूँ एक स्मॉल पीस ऑफ गुआवा एंड गुआवा खाते खाते आप लोगों के साथ थोड़ा सा इवनिंग वॉक कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। एक्चुअली महीने में एक बार हेयर कट करना चाहिए और हेयर कट के टाइम में थोड़ा सा मसाज भी करना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा रिफ्रेशमिंग हो जाता है, रिलैक्स भी हो जाता हूँ। और मेरा जो हेयर स्टाइल है ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा छोटा हेयर है एंड मुझे लगता है ये हेयर स्टाइल ही ज़्यादा सूट करता है। मैंने कोशिश किया था थोड़ा सा बड़ा हेयर रखने के लिए, बट इट लुक्स ऑड, मेरा पर्सनैलिटी से नहीं जाता है और उसको मेनटेन करना भी बहुत ही जस्ट लाइक डिफ़िकल्ट है। और मेरा जो हेक्टिक शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है, उसमें तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है बड़ा सा हेयर कट रखना। दोस्तों मैं ये सर पे लगाया हूँ हिना पाउडर। एक्चुअली हिना लगाने के बाद मैं आया हूँ कुछ खरीदारी करने इन माय लोकल मार्केट। एक्चुअली क्या है, कल बाल कटवाने के बाद घर में जाकर आई हैड शावर, उसके बाद थोड़ा सा अर्जेंट काम पड़ गया था, सो आई कुडंट डू एनी मोर व्लॉग विथ इट। सो आज सुबह सुबह उठकर ही मम्मी ने बोला कुछ गेस्ट आने वाला है तो बाज़ार में जाओ कुछ खरीद के लाओ। तो हिना क्यों लगाता हूँ, बिकॉज हिना इज़ वेरी गुड फॉर यू नो हेयर, एक बाल का एक न्यूट्रिशन मिलता है फ्रॉम द हिना पाउडर। तो सुबह सुबह आप देख सकते हो हिना पाउडर लगा के मैं आ चुका हूँ इन माय लोकल मार्केट। एक्चुअली लोग सब देख रहे हैं मुझको पर कोई बात नहीं, ऐसे ही मेरा इतना कुछ शर्म नहीं है, तो आई जस्ट एंजॉय, लोग ऐसे नोटिस कर रहे हैं मेरे बाल को। तो सब देख सकते हो ये है मेरा लोकल मार्केट ओवर हियर, बट कुछ खरीदारी करने हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, यूजुअली जो वेजिटेबल्स हैं मेरे इतना जानकारी नहीं है, मेरे पापा खरीदते हैं। एक्चुअली लोग देखकर ही मुझको जो सबसे ख़राब चीज़ है वही मुझको दे देते हैं। तो चलिए पहले कुछ खरीदारी कर लेते हैं। तब आज जाते जाते मैंने देखा एक ये जो डाब वाले डाब बेच रहा है, एक्चुअली आई लव टू हैव द कोकोनट वाटर, तो यहाँ पर रुक चुका हूँ, सिर्फ 20 रुपये में मिल रहा है डाब। तो चलिए थोड़ा सा डाब का भी स्वाद कैसा है वो भी चख लेते हैं। खाने के साथ डाब के अंदर जो सांस मिलता है ना, इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। मैं ले लिया वो डाब का ये सांस, बहुत ही लाइट है,
विंटर के टाइम में सुबह सुबह बाफ खाना इसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा गेस्ट स्पेशल कुछ स्पेशल मेनू हुआ था तो पहले ये देखा दी था हम, दिस इज़ द मिक्स फ्राइड राइस। यहाँ पर देख सकते हो चिकन है और भी बहुत सारी चीज़ है और मिक्स फ्राइड राइस के साथ है दिस इज़ द मलाई चिकन। जस्ट लुक एट द कलर ऑफ द मलाई चिकन गाइस, सो ब्यूटीफुल। एंड इसका जो खुशबू है ना, ट्रस्ट मी इट इज़ जस्ट ऑसम। जितना देखने में ये प्यारा लग रहा है उसका जो खुशबू है उतना ही प्यारा है और सब कुछ मिलाकर ट्रस्ट मी ये मेरा जो खाने का मीन्स भूख बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो गाइस चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम खा लेते हैं, टेस्ट कर भी लेते हैं ये मिक्स फ्राइड राइस और ये मलाई चिकन का टेस्ट कैसा है। तो पहले फ्राइड राइस ले लेता हूँ, थोड़ा सा चिकन देख कर ही लेता हूँ फ्राइड राइस बिकॉज आई लव चिकन एंड ऑल। ओके फाइन, ओके एक्चुअली फ्राइड राइस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस। मैं रेस्टोरेंट पे जाता हूँ तो पहले इतना सा लेता हूँ, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आई कैन टेक मोर। और ये पूरा बोल ऑफ चिकन मेरा ही है, इतना शायद मैं खा नहीं सकता हूँ तो थोड़ा सा ले लेता हूँ इसमें से इस चिकन एंड ग्रेवी। थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। ट्रस्ट मी गाइस, देख कर ही मुँह में पूरा पानी आ रहा है और लग रहा है कब इसको मैं आई विल टेक इट इन माई माउथ। तो दोस्तों मेरे सामने है, देख सकते हो ये है ब्यूटीफुल फ्राइड राइस और ये मलाई चिकन। तो ट्रस्ट में ये देख कर मेरा मुंह में तो बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है और आई कांट वेट एनी मोर। तो अभी मुझको क्या करना है, पूरा ये जो ग्रेवी थोड़ा सा फ्राइड राइस के साथ मिला देना है और थोड़ा थोड़ा चिकन लेकर मुझको मुँह में लेना है। सो गाइज ये फर्स्ट एक निवाला है, देखते इसका टेस्ट कैसा है। किन मानिए इसका जो स्वाद सिर्फ मुंह में नहीं जा रहा है, पूरा दिल में जा रहा है और थोड़ा सा तीखा भी है। इसका क्या हो चल, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्वाद है। मीन्स ये जो मलाई चिकन है जो स्वाद ही ऐसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली फ्राइड राइस के साथ हम लोग तो डिफरेंट चीज टेस्ट करते, लाइक यू जूस हम लोग क्या कहते हैं मिली द चिली चिकन, बट ये वाला जो रेसिपी है मलाई चिकन, इसका स्वाद से क्वाइट डिफरेंट टेस्ट लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन, फ्राइड राइस और ये मलाई चिकन का कॉम्बिनेशन। जनाब और हम लोग ग्रेवी का जो टेस्ट है ना, ये जो देख सकते पूरा ग्रेवी है, ग्रेवी का जो टेस्ट ये पूरा डिश का जो स्वाद और भी हजारों गुण बढ़ा रहा है। ओके ऐसे अगर हर दिन गेस्ट घर में आए और उसके लिए ऐसे स्वादिष्ट का डिश हर रोज अगर घर में तैयार होना तो क्या बात है। तो दोस्तों फिर से मैं ले लेता हूँ और ये सब्जी है कैप्सिकम पीट गाजर, ये सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इसका जो कॉम्बिनेशन टेस्ट है फ्राइड राइस का मिक्स फ्राइड राइस का, सब कुछ मिलाकर आउट ऑफ 10 इट इज जस्ट 10 मैन। एंड वन मोर थिंग, ये दो तीन पीस चिकन से भी नहीं होगा, आई नीड सम मोर फ्रॉम हियर। तो मुझे आज टेस्ट इतना बढ़िया है, थोड़ा सा ज़्यादा भी खाऊंगा और दबा के खाऊंगा और राइस भी और दोबारा मुझको लेना पड़ेगा, चिकन भी दोबारा मुझको लेना पड़ेगा। तो गाइस चलिए पूरा पहले खा लेते हैं। तो दोस्तों खत्म हो गया अनदर ब्यूटीफुल डे, दो ब्यूटीफुल डे, क्योंकि आज का जो व्लॉग आपने देखा है आपको तो पता ही है मैं दो दिन में शूट किया, आधा
कल शूट किया था और आधा आज मैं शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली कल का दिन होने जा रहा है बहुत ही स्पेशल दोस्तों। एक्चुअली कल मैं जा रहा हूँ एक खास जगह पे, एक खास प्रोग्राम है। तो कहाँ पर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, ये व्लॉग में मैं नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बट वन थिंग आई मस्ट से, एक्चुअली क्यू वाई आई मेक द व्लॉग, वाई आई डू शूट द माई डेली लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। दोस्तों डेली लाइफ स्टाइल व्लॉग करने का दो तरीका है, कोई पर्पस नहीं होता है। बट जो बंदा, जो इंसान हर दिन बातें करना चाहता है अपने के दोस्तों के साथ, अगर उसके पास आप जैसे इतना प्यारा दोस्त है, इतने प्यार करने वाले दोस्त है, तो डेली व्लॉग करना तो बनता ही है। सो दोस्तों आई मेक ओनली मेक द व्लॉग्स टू टॉक टू यू। आप लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और पूरा दिन मैं कैसे स्पेंड करता हूँ, टाइम टू टाइम आई टॉक टू यू, आई शेयर ऑल माई एक्सपीरियंस और आपसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। अगर व्लॉग को कोई डिफरेंट डायमेंशन में आप देखना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दिस ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग दोस्तों। एंड और क्या बोलूँ, एक्चुअली बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ बट जब भी कैमरा ऑन करता हूँ आई फॉरगेट लॉट ऑफ थिंग्स और कुछ दूसरा चीज़ ही बोलना शुरू कर देता हूँ। यही व्लॉगिंग का असली मज़ा है। कोई प्लान नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं। देखो अगर आप ट्रैवल ब्लॉग में एक प्रॉपर माइंड सेटअप रहता है, अगर सपोज मैं कोलकाता से जा रहा हूँ मलेशिया, कोलकाता से जा रहा हूँ बांग्लादेश, कोलकाता से जा रहा हूँ इजिप्ट, एक ट्रैवल ब्लॉग में एक स्पेसिफिकली एक प्लान रहता है, यहाँ से यहाँ जाना, ये करना, ये बोलना है। बट डेली व्लॉग में ऐसा कोई प्लान नहीं होता है। मीन्स कब क्या करूँ इसका तो कोई फिक्स शेड्यूल नहीं। जब जाकर जहाँ पर जैसे सिचुएशन होता है, आई शेयर ऑल दिस स्टफ्स विद ऑल ऑफ यू। पता नहीं आपको अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, बट इट इज़ मी एंड आई लव टू टॉक टू यू। बहुत ज़्यादा खा चुका हूँ, अंदर से डकार भी आ रहा है, पर थोड़ा सा मैं रुक के रखा हूँ, इट्स ओके फाइन। एक्चुअली जब थोड़ा सा अच्छा खाना हो जाता है ना, समथिंग वी हैव समथिंग स्पाइसी, एक्चुअली आई एम टू मच फूडी, तो ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली मुझे पता है रात को ज़्यादा खाना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट क्या करूँ यार, ऑल अबाउट द ग्रीडीनेस, लालची आत्मा। ओके, जो अच्छा खाना देखता हूँ ना, तो ट्रस्ट मी इट्स आई जस्ट आई लव टू हैव लॉट ऑफ टेस्टी फूड्स। और चिकन फ्राइड राइस इट इज इन माई फेवरेट फूड का चेकलिस्ट में भी है। सो गाइज ऐसा ही होता है एक दिन, खाना पीना घूमना एज यूजुअल लाइक यू। तो दैट्स ऑल, व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मीन्स कल एक दूसरी जगह जाना है, एक स्पेशल व्लॉग बनाना है, तो वो वाला व्लॉग मैं फ़ोन से नहीं शूट करूँगा। आई विल शूट दैट व्लॉग ऑन माई कैमरा, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर एक स्पेशल जगह पर जाना हो तो कैमरा तो बनता ही है। तो ये डेली व्लॉग यूजुअली मैं फ़ोन से शूट करता हूँ। पता है फ़ोन का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है, बट एक्चुअली डेली व्लॉग में हर जगह पर DSLR लेके घूमना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो मोबाइल थोड़ा सा हैंडी हो जाता है। तो बट कल मैं जा रहा हूँ एक स्पेशल जगह पर, तो इसलिए कैमरा लेके भी जाऊँगा। तो यकीन मानिए पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा होगा, साउंड भी और भी क्रिस्टल क्लियर होगा, बिकॉज मेरा DSLR में ऊपर होता है ना बोया का माइक लगा रहता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ही व्लॉग को ख़त्म करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बट व्लॉग को ख़त्म करने से पहले अलविदा एंड शब्बा खैर, गुड नाइट।